हाँ तो गाइस, क्या हाल है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे कस्टम कॉम्बो ट्राई, जो कि है वेलक्री एंड ये है जेंथस जो कि आता है एक्सकैलिबर में, और ये है गाइस क्या नाम था इसका, एटॉमिक ड्राइवर जो कि आता है वेलक्री के अंदर। ये प्रोमिनेंस वेलक्री, ये जाइफोर्ड एक्सकैलिबर, और ये है हमारा अल्टीमेट वेलक्री। आज इनका मोड ट्राई करेंगे और गाइस देखेंगे कि ये कितना बढ़िया निकलता है। मैंने 5 बेबलेट सिलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले इससे फाइट करेंगे इस मोड में, फिर इसका जो ओरिजिनल मोड है उसमें भी फाइट करेंगे उन पांचों से ही, और देखेंगे भाई ओरिजिनल में ज्यादा बेटर रहेगा या फिर इसमें, क्योंकि ये कस्टम कॉम्बो मोड है तो हमको ट्राई तो करना पड़ेगा भाई। और ये देखो, इससे इसको एक अलग से विंग मिल जाता है भाई कुछ अलग सा ही है वो, मेरे को लगता है ये नहीं होना चाहिए, बट ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं भाई कितना स्ट्रोंग ये मोड निकलेगा। ओके गाइस, तो देखते हैं भाई वेलक्री का कौन सा मोड सबसे बढ़िया निकलेगा। सबसे पहले करते हैं एस्ट्रल स्प्रिगन से इसकी फाइट, एंड गाइस देखते हैं एस्ट्रल स्प्रिगन के सामने जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके पास स्टेमिना मोड है और इसके पास भी अब तो स्टेमिना मोड ही है। देखते हैं भाई, चलिए चिचा वेलक्री, रुक जाओ भाई, पहला लॉन्च हमेशा मिस लॉन्च। ओके, ट्राई अगेन गाइस। अबे राम खोल, मेरे लॉन्चर्स ना सबका वो घिस गया है यार, इसलिए दिक्कत हुई है ज्यादा। लेट्स सी भाई, देखते हैं क्या एस्ट्रल स्प्रिगन के तोते उड़ेंगे या फिर वेलक्री के तोते उड़ेंगे, देखना होगा भाई। दो दो बैटल करेंगे और पता चलाएंगे भाई, क्या बोल रहा हूँ आज मैं गाइस, माफी चाहेंगे क्या लगता है फैफनियर, सॉरी फैफनियर कह रहा हूँ, वेलक्री जीतेगा क्योंकि उसके पास अभी एटॉमिक ड्राइवर है तो लाइफ आफ्टर डेथ उसका काफी अच्छा रहेगा, बट फिर भी स्प्रिगन है विनर गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, 3 2 1 हो जाए शुरू। स्प्रिगन से नहीं जीतना, यम पॉसिबल गाइस, बोले तो यम पॉसिबल। ये क्या किया भाई इसने, ये कैसा अटैक था भाई, फेंक दिया, बस कर दिया इसको। तो गाइस विनर इज अल्टीमेट वेलक्री, पता नहीं इसने कैसे ये पुल अप किया, बट खतरनाक था भाई जो भी अटैक था ये। बताओ इस अटैक का नाम क्या है गाइस, क्योंकि अल्टीमेट वेलक्री यार नेक्स्ट लेवल जा चुका है फिलहाल तो, ये पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा अटैक इसका। ओके गाइस, नेक्स्ट है साइक्लोन रैग्नारोक, ये देखते हैं इन 3 2 1 झंडे गाड़ दो, लेट्स सी वेलक्री झंडे काट देना। अबे यार ये कौन सा अटैक कर रहा है ये गाइस, ये कुछ तो अजीब प्राणी हो रखा है भाई बिल्कुल ही। रुक जाओ साइक्लोन, दोबारा करेंगे भाई। ओके, एक पॉइंट हो गया साइक्लोन का बिना बात के, बट कोई बात नहीं, 3 2 1 हो जाए साइक्लोन, हो जाए वेलक्री, फिर से वही कर रहा भाई वेलक्री, क्या करना चाह रहा है ये भाई। मैंने स्टेमिना के लिए ड्राइवर लिया था, लेकिन ये ड्राइवर तो कुछ अलग ही काम कर रहा है भाई, एटॉमिक 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 की तरह ही फट रहा है भाई, सही बताऊं तो। बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, एंड द विनर इज साइक्लोन रैग्नारोक, मे बी नॉट गाइस, हु नोज, साइक्लोन जीत गया, नाइस, पता नहीं कैसे जीता बट जीत गया गाइस, क्योंकि साइक्लोन का स्टेमिना ज़्यादा है इसलिए शायद। ओके, बारी है जस्ट अखिलेश से करने की, एंड इसके महाशय की मुझे नहीं पता कितना बढ़िया ही निकलेगा, बट मेरे को लग रहा है वेलक्री को मुझे थोड़ा सा ठीक लॉन्च करना पड़ेगा भाई, ये देखना कहाँ से जो इतनी स्पीड ला रहा है, अटैक टाइप नहीं है वो ड्राइवर, लेकिन गाइस इसने जैसे एस्ट्रल स्प्रिगन को ठोका ना भाई, मज़ा आ गया वो देख के, मानो या ना मानो, और अब ये जेस अखिलेश को भी ठोकेगा मानो या ना मानो नहीं नहीं नहीं, जेस अखिलेश जीत जाएगा भाई, जीत जाएगा, जीत गया, नहीं जीता, हार गया, पता नहीं क्या हुआ ओके, वेलक्री है विनर पहले राउंड का, नाइस। सेकंड बैटल, 3 2 1 हो जाए शुरू, वेलक्री हो जाए शुरू। ये देखो ये स्पीड बूस्ट क्यों करता है भाई, मुझे ये समझ नहीं आता, फिर से वही किया इसने भाई, फेल हो गया थोड़ा सा,
नहीं तो एस्ट्रो स्प्रिगन की तरह मारता है इसको फेंक फेंक के गाइस। ओ भाई नाइस, नेक्स्ट लेवल अतरंगी चीजें करते हुए वेलकरी विद दिस मोड गाइस। पता नहीं कैसा मोड है। ओके थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब की बार ये इस साइड है तो एक साइड में झोंक रहेगा इसका, मतलब एक साइड में कुछ ज्यादा वेट रहेगा ये मान सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट की बराबरी हो गई है दोनों की। आखिरी बैटल, ओ ओ फ्लावर एंगल कहां से कर दिया इसने भाई, कैसा ड्राइवर है ये। देखो गाइस बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है मेरा इस ड्राइवर के साथ। मैंने इसको स्टेमिना के लिए लिया था कि वेलकरी को अच्छा लाइफ आफ्टर डेथ मिलेगा, लेकिन ये महाशय कुछ और ही करने की फिराक में रहता है। फिलहाल तो मुझे हारते हुए दिख रहा है। यप, द विनर इज जस्ट अखिलेश गाइस। दो बेबलेट जीते हैं, एक हारा है, वो एक भी बेचारा गलती से हार गया, इसने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम डैश करके बर्स्ट कर दिया उसको। ओके बेलियर वेल डन। अरे चिचा ए भाई, नो टक्कर गाइस, नो टक्कर मतलब दोबारा करेंगे। 3, 2, 1 देखते हैं भाई दोबारा से वही रहेगा क्या। फिर से नो टक्कर गाइस, मुझे लगा इस बार तो डायनामाइट को बाहर ही कर देगा, लेकिन नहीं, डायनामाइट अलग लेवल के नशे करके चल रहा है गाइस। देखो क्या कर रहा है भाई ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा, सही बता रहा हूँ। और शायद इसका वेट एक साइड में झुक गया, उसकी वजह से ज़्यादा वो कर रहा है मेरे ख्याल से। देखते हैं इस बार थोड़ा टिल्टेड लॉन्च करेंगे। अरे हाँ ये तो टिल्टेड में अच्छा लॉन्च हो रहा है। मार मार ए मार, तोते उड़ा दे डायनामाइट बेलियल के। अभी ठीक चल रहा है भाई, फ्लावर एंगल इस पे काम करता है गाइस। हालांकि ये जो इसमें मैंने यूज करी है डिस्क, वो इसके साथ अच्छी कंपेटेबल नहीं है, लगभग ड्रॉ हो गया दोनों का। दोबारा करते हैं, जो जीता वो जीता गाइस, थर्ड बैटल नहीं होगी। कम ऑन फेंक दे डायनामाइट को, फेंक दे, मानना पड़ेगा भाई वेलकरी, एक को बस करके फिर कुछ नहीं किया इसने। कोई बात नहीं गाइस, इसके ओरिजिनल मोड में भी देखेंगे, टेंशन ना लो। वैसे जीत गया है डायनामाइट बेलियल से, क्लियरली जीत गया भाई। नाइस नाइस वेलकरी नाइस। ओके विनर इज वेलकरी। ठीक है, दो बेबलेट हारे हैं, दो जीते हैं गाइस, और एक लास्ट बेबलेट बचा है जो कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट है बस सीरीज में, इसलिए मैंने इसको लास्ट तक बचा के रखा। द बस स्प्रिगन पगला गया, स्प्रिगन से कोई अलग दुश्मनी होगी भाई, इसको फेंक के मारेगा मुझे लग रहा है। स्प्रिगन को नहीं फेंक पाया गाइस, लेकिन ये एक्सेलरेशन अपना बंद नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही महाशय अपने अतरंगी रिवाज में है गाइस। ओके पहला पॉइंट जाता हुआ बस प्रेगन को, सारा स्टेमिना खत्म कर दिया इसने। ओके आखिरी बैटल, ओ इस बार तो ठोका भाई, मारा मारा वेलकरी। ओ शेट गाइस, वेलकरी अपना संतुलन खोते हुए एंड हारते हुए। ठीक है तो बात कुछ ऐसे गाइस, 3 बेबलेट से जीत हारा है ये, 2 से जीता है इस मोड में। अब करते हैं इसका ओरिजिनल मोड जो कि हमेशा से ही ओरिजिनल था, तो इससे देखते हैं भाई, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जिनसे जीता था उनसे करते हैं पहले स्प्रिगन। वेलकरी ब्रो डोंट डिसअपॉइंट मी, अटैक कर भाई, फ्लावर एंगल, ये पहला पॉइंट जाते हुए वेलकरी के खाते में, भाई मजा आ गया। तो ये है गाइस वो मोड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मोड ज्यादा अच्छा है उसका, शायद कुछ कह नहीं सकते, पहली ही बैटल लगा इस। नॉन वेलकरी फ्लावर एंगल स्टार्ट, वापस बाहर कर दे, ये ओहो खुद बच गया। ओ भाई दोबारा से बाहर करते हुए था लेकिन नहीं कर पाया गाइस, माफी चाहेंगे। वेलकरी हारते हुए ये वाली बैटल,
बल्कि मार तो अच्छा अटैक रहा है लेकिन स्प्रिंगल लेफ्ट स्पिनर उसको बाहर करेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। यप, उसको बाहर करना ही होगा उसको जीतने के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट स्पिन है, वो स्पिन स्टीलिंग करेगा। ओके, लेट्स सी वैल्करी, इस बार झंडे गाड़ देना। ससुर के नाती, ठीक है स्टार्ट। फेंक दे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा भाई, मोन स्प्रिंगल को फेंक दे। नाइस, सेम जगह पे फेंका है भाई। ओके, जिससे जीता था उससे इस मोड में भी जीता है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, अब बारी है डायनामाइट द बेलियल से करने की। मिस्टर बेलियल गया, बेलियल गया, बेलियल बेलियल के तोते उड़ेंगे, फेंका जाएगा बाहर। फेंका नहीं गया है गाइस, अभी बचा हुआ है, बचा हुआ है। मोहन बेलियल झंडे गाड़ दे। फिलहाल तो बेलियल को इतना मार पड़ रही है ना कि बेलियल कुछ नहीं करने के लायक है, लेकिन उसका लाइफ आफ्टर डेथ काफी अच्छा है तो वो जीत सकता है भाई। जैसे कि मैंने बोला था, ये महाशय है, इसका लाइफ आफ्टर डेथ काफी अच्छा है। देखो इस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे माफ करना उसके लिए। ये क्या किया मैंने, अरे राइट स्पिन बना रहा था मैं, क्या कर दिया ये। ओके गाइस, थोड़ा सा समय लगेगा राइट स्पिन लेफ्ट स्पिन करने में। ठीक है, आओ महाशय। अबे ओके, वैल्करी झंडे गाड़ देना। लग ही रहा था भाई इस बार तो, एक एक की बराबरी हो गई है गाइस। आखिरी बैटल करते हैं, डायनामाइट द बेलियल वर्सेस अल्टीमेट द वैल्करी। मारेगा भाई, मारेगा, गया इस बार, बाहर जाएगा नहीं, गया इस बार, हारेगा वैल्करी नहीं, हारेगा। अच्छा स्टेमिना है इस बार वैल्करी के पास, जीतने लायक स्टेमिना है गाइस। ओके, जिनसे जीता था उनसे अभी भी जीता है। अब बारी है जिनसे हारा था उनसे करने की, और उसमें है सबसे पहले साइक्लोन, इससे तो आराम से जीत जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है भाई। कम ऑन वैल्करी, उम्मीदों पे खरा उतरना। फ्लावर एंगल पटक पटक के मार, बस कर दे, जरूरत ही नहीं पड़ी गाइस बस करने की, फेंका गया है बाहर। नेक्स्ट बैटल देखो, इस बार जीतेगा नो डाउट। ओ गलत लॉन्च हो गया गाइस। देखो गाइस माफी चाहूंगा, स्टोरेज खत्म हो गई थी। ओके बेलियल वैसे जीत गया था इससे, बेलियल कह रहा हूँ साइक्लोन से, दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं दोबारा जीत जाएगा भाई, फुल भरोसा वैल्करी के ऊपर। मतीरा फोड़ दिया गाइस इसका तो, नाइस, ये वाला सबसे बढ़िया अटैक था। ओके, पुराने मोड का तो रिकॉर्ड इसने आराम से तोड़ दिया गाइस। अब बारी है नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने की, इन दो सबसे बड़े धुरंधरों से बैटल करने की और देखने की इनके सामने कुछ चलेगी वैल्करी की या नहीं। ओके, पहला पॉइंट जाते हुए अखिलेश को, बहुत ही आराम से एक ही टक्कर में जीत गया है अखिलेश गाइस। सेकंड द बैटल, इस बार मारेगा भाई अखिलेश को, गुस्से में है पूरा अखिलेश, कह रहा होगा भाई क्या मैंने बदला ले लिया गाइस। अखिलेश भाई, अखिलेश कितना शांत हो गया यार, गलत बात है, अखिलेश इतना शांत नहीं होना चाहिए, जीत जाओगे तो। ओके गाइस, विनर इज अखिलेश। तो ठीक है अखिलेश जीतते हुए ये बैटल, हाँ अखिलेश जीत गया भाई, इसका लाइफ आफ्टर डेथ काफी सही है। ओके, जीता हुआ है भाई, अभी भी तोड़ इसने तोड़ तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता अब और आगे ये जीतेगा किसी से भी, क्योंकि बस प्रिगन से कोई नहीं जीतता, कोई भी नहीं जीतता भाई उससे। मार मार, फेंक के फेंक दे, अगर बाहर कर दिया तो बात कुछ अलग है, लेकिन वैसे कोई नहीं जीत सकता इससे। कमोन ब्रो, कमोन वैल्करी भाई, ना
मे बी द विनर इज सेप्रिगन शायद। ओ भाई ये कैसे हुआ भाई, चमत्कार हो गया भाई, कुछ अलग ही हो गया ये तो। ठीक है दोबारा करते हैं। वैलकरी जीत गया भाई बस प्रिगन से, कैसे पता नहीं। ये देखो कैसी चाल चल रही है फ्लावर एंगल वाली, दोनों के बीच में रेस लगी हुई है। विनर होगा वैलकरी। मार यार बढ़िया मार, मजे कर रहे हैं भाई ये। और वैलकरी का स्टेमिना इस बार खत्म हो गया है तो इस बार वैलकरी हारेगा, यानी कि एक एक पॉइंट की बराबरी हो गई है दोनों के बीच में। नाइस, पता नहीं पिछली बार कैसे जीत गया लेकिन इस बार नहीं बनी बात इसकी। हो गया वैलकरी, फुल तेज लॉन्च करूंगा। बस इसीलिए नहीं कर रहा था मैं फुल स्पीड में लॉन्च, क्योंकि स्टेडियम आउट हो जाता है फुल स्पीड में। ओके तो ये था हमारा आज का मोड गाइस, एंड मैं यही कहूंगा कि वैलकरी का ओरिजिनल स्टोक मोड ज़्यादा अच्छा है इस मोड से, तो जब स्टोक मोड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर ये डिस्क लगा दें तो बात कुछ अलग हो जाएगी, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइवर चाहिए इसको शायद। ओके बताओ कैसा लगा ये वाला मोड, हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय।